हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम मेहुली। मैं मेहुली आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी रोटी की रेसिपी। रेसिपी क्या है हम डिटेल्स पर आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है ओट्स की रोटी। ओट्स की रोटी जो बहुत ही हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और जो लोग वेट लॉस जर्नी में है उनके लिए तो आइडियल है। तो रेसिपी क्या है वो डिटेल्स में आप चेक कर लीजिए वीडियो, और परफेक्ट ओट्स रोटी बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए रेसिपी चेक कर लेते हैं। ओट्स की रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप ओट्स के पाउडर। आप रोल्ड ओट्स या फिर इंस्टेंट ओट्स कोई भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे पाउडर आप एयरटाइट कंटेनर में बना के रख सकते हो, जब जब जरूरत पड़े तब यूज कर सकते हो। अभी मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने 1.5 कप ओट्स लिया है तो मुझे 1.5 कप पानी चाहिए होगा, वो भी बॉइलिंग वाला पानी, एकदम से गर्म होना चाहिए पानी। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। जैसे आपको पता है ओट्स हाई इन फाइबर है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट हेल्थ अच्छा रखता है, लो इन कार्ब कंटेंट है, तो वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। देखिए मैंने पानी मिला के इसको मिक्स कर लिया है। अभी ठंडा होने के लिए मैं इसको 10 मिनट कवर करके छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो चुका है, मैंने पाम में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। अभी इसको अच्छे से मैं एक प्लेट में शिफ्ट करके इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो देखिए इसको ज्यादा करना नहीं होता है, तो ये डो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें से छोटा छोटा लोई बना लूंगी। अगर आपका एक्स्ट्रा होता है तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हो, डो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे छोटा छोटा ऐसे लोई बना लेंगे। ये मैंने एक लोई ले लिया है, ऊपर से थोड़ा सा ओट्स का पाउडर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको अभी बेल लेंगे। जैसे आपको पता है ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, तो आपका ये जो रोटी होगा ये परफेक्टली गोल नहीं आएगा। तो परफेक्ट अगर आपको गोल रोटी चाहिए होगा तो आप एक कटोरी इसके ऊपर इसे बिठा के प्रेस कर दीजिए और साइड पोर्शन आप हटा दीजिए। ये देखिए परफेक्ट गोल रोटी बन के रेडी है। अभी हम इसको तवा में सेक लेंगे। आप अगर आपके पास आयरन वाला तवा है तो आप उसमें ये सेकिए ताकि आयरन का भी जो बेनिफिट्स है वो रोटी में आ जाए। तो इसको अभी हम मीडियम फ्लेम रखते हुए इसको अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे। आप इसको ये रोटी को आप वेज नॉन वेज कोई भी आइटम के साथ इसको ले सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी होता है रोटी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखिए अभी हम एक कपड़ा लेके साइड से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते रहेंगे, पलट देंगे, फिर से हम इसे प्रेस करेंगे। देखिए ये हल्का हल्का फूल के आ रहा है रोटी हमारा। देखिए फूल रहा है। रोटी हमारा पक चुका है। ओट्स की रोटी बनके रेडी हो चुका है। देखिए ये कितना सॉफ्ट है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस ये एक रेसिपी है।
तो इसको आप कोई भी वेज नॉन वेज सब्जी के साथ या फिर रायते के साथ भी आप इसको ले सकते हो। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, और ऐसे हेल्दी न्यूट्रिशियस रेसिपीज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।